इडियट। चलो रे चलो ना, बेल बज गई ना क्लास में। अबे रोज ही जाते ना रे स्कूल में, अंत तो पढ़ाकू बन रहा। चल गेम खेलेंगे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग छोटू, क्या कर रहे हो? अरे मैडम आखिरी गोली रह गए। अरे अब भी जीत जाऊंगा मैं। क्या रे, ये क्लास है तेरे बाप का गेम जोन? टीचर के आने पर भी तुम खड़े क्यों नहीं रहते हो? तुम रोज रोज आते हो तो क्या रोज रोज खड़े रहना था हमने? अरे हमारे भी कुछ इज्जत है। बेवकूफ बदतमीज, खड़े हो जाओ। जो बेवकूफ और बदतमीज रहते वो खड़े होते क्या? हाँ। अच्छा इससे तुम इतने टाइम से खड़े क्या? शट अप, खड़े हो जाओ। सीधे से जो सवाल करती उसका जवाब दो। हाँ पूछो। मान लो कि एक खेत में 3 टन कांदा निकलता है। क्यों मान लूं? मैं ऐसे क्यों मान लूं? मान ले कमीने। अरे मैं मेरे माँ बाप की नहीं मानता, तुम्हारी क्यों मान लूं? अरे कमीने मान ले। ओके चलो, इतने प्यार से बोल रहे तो मान लेता। एक खेत में 3 टन कांदा निकलता है तो 3 खेत में कितना कांदा निकलेगा? अरे रुको, खामोश बैठो। ये तुम्हारे बाप का स्कूल है जो टंटन बजा और छुट्टी हो गई? अरे मैडम मैं तो 9 बार टंटन बोल के बता रहा था क्या? 9 टन होते। बदतमीज क्लास से बाहर हो जाओ और साथ में अपने बाप को लेके आना। मैं मेरी मम्मी को बोलूंगा ना। मेरी टीचर ना बार बार मेरे पापा को बुलाती। दोनों का ना कुछ लफड़ा जरूर है। क्या बकवास कर रहे हो, निकल जाओ बाहर। जो मेरे पूरे पे बार बार रुबाब करती है और बार बार हाथ उड़ाती, कौन है वो? कौन है? मैंने हाथ उड़ाया? अरे मैंने आपके बेटे पे हाथ नहीं उठाया। पहले आप ना ये हाथ नीचे करो, बहुत स्मेल आ रही है। अच्छा देखो बहुत बास आ रही है। और जब तू मेरे पूरे पे घड़ी घड़ी हाथ उड़ाती है वो कैसे बर्दाश्त करता तेरी बास? शट अप। और 2 बार तो मेरा पूरा बेहोश हो गया था, उसका क्या? ओहो जैसा बेटा वैसा बाप। अरे हाँ, सबके बाप की औलाद सबके बाप के जैसी रहती। कोई घोड़े के जैसा मुंह लेके पैदा नहीं होती। आप पहले अपने बेटे को तमीज सिखाइए। उठ। हाँ अरे उठ बोला ना। तू सिखाना पगार ले लेने सरकार से, तू सिखाना तमीज। क्या सिखाऊ उससे, एक सवाल का जवाब नहीं आता है। वो तो एक का नहीं आता होगा, बाकी सबका तो आता ना। अरे कुछ नहीं आता है उसे, दूसरे बच्चे कैसे जवाब देते देखो। ओके। हाँ बेटा तुम बताओ। एक लड़की मुझसे बात कर रही है, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। एक लड़की मुझसे बात कर रही है, कल मैं उसे पटा लूंगा। ये फ्यूचर टेंस है शीशा। शट अप, बैठो नीचे। सारे के सारे अवकाली अंडे इस क्लास में, बदतमीज कहीं के। तुम खड़े हो जाओ। देखो यही सवाल मैंने तुम्हारे बेटे से पूछा था, ये कैसे जवाब देता है देखो। हाँ बेटा बताओ, पानीपत की लड़ाई कब शुरू हुई थी? मैडम मैं तो उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुआ था, और वैसे भी मेरी मम्मी लड़ाई झगड़ों से दूर रहने बोलती है। शट अप, बैठो नीचे। अब एड़ी
ये सवाल पूछी थी तूने मेरे पोरे से, अवो मेरी औरत से मेरे झगड़े होते तो मैं मेरे पोरे को बाहर निकाल देता। अवो उसको जब घर के झगड़े के बारे में नहीं मालूम तो पानीपत के झगड़े के बारे में क्या घंटा बताएगा। सवाल करती यार तू भी। अच्छा तो तुम बहुत होशियार हो तो तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो। आप पूछ, क्या पूछ रही? कुतुब मीनार किसने बनाया? रफीक जानी ने। रफीक जानी, ये कौन है? अवो जेके एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के ओनर। मतलब? अवो बावली जो मेरे को पैसे देता उसको हिट करूँगा ना मैं। अब कुतुब मीनार किसने बनाया उससे मेरे को क्या लेना देना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ताजमहल कहाँ है? अवो क्या, मैं तेरी क्लास लेने आया, तू मेरी क्लास लेने लग गई? मैं भी तो देखूं तुम कितने पानी में हो। बताओ ताजमहल कहाँ है? सिंपल, कश्मीर में। क्या 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 क्या, क्या? क्या? अरे बेवकूफ आदमी, आगरा में है। अच्छा क्या बात कर रही, अभी तक के आगरा में ही है? अजीब बात है, साला ये दुनिया चांद पर पहुंच गई और ये ताजमहल इतने सालों से जाकर वही है। शट अप, बैठो बदतमीजो। ओफो, मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैंने तुमको बुलाया। देखो मुझे सिर्फ इतना कहना था, तुम्हारा बच्चा बहुत बदमाश और शरारती है। अवो तो एड़ी बच्चे शरारती रहते ना, तो क्या वो सीधी सादी पैदा हुई थी क्या खंबे के जैसा? ठीक है अब जाओ, मैं दोबारा आपको नहीं बुलाऊंगी। जाओ। हाँ हेलो, हाँ बड़ा बोल। हाँ क्या बात कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बेटा तेरे टीचर तो मेरे सामने खड़े ले। मैडम अंदर घुसू क्या? ये लो आ गया तुम्हारा लाडला बेटा। अरे ये मेरा बेटा नहीं है। साला ये किसका बाप है, मेरे जैसा दिख रहा है? अरे मेरा बेटा तो दूसरी क्लास में पढ़ता है। सॉरी मैं गलती से इधर आ गया। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाउनलोड कीजिए एम्पूमी ऐप और अपने मोबाइल को डीजे बनाइए।